के अस्पताल के लिए कोई देश में कमी नहीं है। मैं आपके माध्यम से पंजाब सरकार को आग्रह करना चाहूंगा, वो आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाएं और पंजाब के रोगियों का इलाज कराएं। अगर आप मुझे मौका दें, क्योंकि दोनों माननीय सांसद मेरे राज्य से हैं और खास मेरे क्षेत्र के बारे में बहुत इन्होंने चिंता व्यक्त की है, तो काश इतनी ही चिंता सहज अगर की राज्य सरकार को होती, पर फिर भी इनके इंफॉर्मेशन के लिए मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि कैंसर का कारण क्या है, तो मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि 2009 में जब मैं इधर से सांसद बनी, सबसे पहले हमने कैंसर रिसर्च और डायग्नोस्टिक सेंटर बठिंडा में बनवाया। बहुत बड़ा बढ़िया अस्पताल चल रहा था, लेकिन आज की मौजूदा सरकार ने वहां पे सारे फंड रोके, वहां पे रिसर्च को क्या चल रहा है, वहां पे इलाज का काम भी नहीं चल रहा है, दवाइयां तक नहीं रही है। नंबर एक। नंबर दो, सर बड़े कैंसर की ट्रेन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। नंबर हमारी सरकार ने बठिंडा में एम्स का अस्पताल बनाने का क्वेश्चन नंबर 146 श्री राजेंद्र गावित।